दोस्तों लड़ाइयाँ सब में होती हैं। मजेदार लड़ाइयाँ देख पाए। जिराफ, दोस्तों ये जिराफ की माँ अपने बच्चे का किस तरह से रक्षा करती है और उसकी लाश को शेरों द्वारा नहीं ले जाने दे रही है, और शेर भी कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि शेरों को पता है कि अगर जिराफ की एक लात इन्हें ढंग से पड़ गई ना तो इनका तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन बेचारा जिराफ आखिर कब तक उस बच्चे का देखभाल करता? एक समय के बाद वो छोड़कर चला गया तो शेरों को उनका शिकार आखिर मिल ही जाता है। पूमा, दोस्तों पूमा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि बिल्लियों की ही एक प्रजाति है। लेकिन गुआनगो के बारे में जान लो, जो कि पूमा से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये साइज में पूमा से 3 गुना ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी हाइट 3 मीटर से जितनी होती है। एक अकेले पूमा के बस की बात नहीं कि वो इतने बड़े गुआनगो को अकेले मार गिराए। लेकिन आपने सुना ही होगा कि एकता में बल है, जिसका उपयोग करके ये गुआनगो का शिकार करते हैं। पूमा का ज्यादा फोकस गुआनगो के बच्चों पर होता है, क्योंकि गुआनगो के बच्चों को मारना काफी आसान होता है। इसमें पूमा कितने फुर्ती के साथ गुआनगो पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस पूमा को मुंह की खाकर वापस जाना पड़ता। डट कर उनका सामना कर रही है। ओटर, दोस्तों आपने ओटर को मछली पकड़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ओटर घड़ियाल और मगरमच्छ को भी मार देते हैं? अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले ओटर आकार में बहुत बड़े और बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों वैसे तो ओटर कभी भी खुद मगरमच्छों पर हमला नहीं करते, लेकिन जब भी मगरमच्छ इनकी फैमिली पर हमला करता है तो इन ओटरों को भी उनसे लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में अक्सर ओटर लड़ते समय जख्मी हो जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ जख्मी नहीं होता बल्कि सीधे स्वर्ग सिधार जाता है।
ओटर का ये ग्रुप इस जमीन पर आ रहे मगरमच्छों से कैसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि भाई तू यहाँ क्यों आए हैं यार। लेकिन ये लड़ाई केवल इसलिए है ताकि वो मगरमच्छ इनके जीवन को छोड़कर अपने पानी में वापस चला जाए। जंगली भैंस और पाइजन। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए।